किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो दिक्कत क्या हो रही है? किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। किसान का बेटा बोलेगा, किसान का बेटा बोलेगा, राजी का सन डोलेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, तूफान रहेगा। जय जवान, जय किसान, बुजुर्ग बोले यार, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। ठीक है, आओगे अब यहाँ फाइल कहाँ है? जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो दिक्कत क्या हो रही है? किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान। हमने बाड़मेर कलेक्टर के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है कि उनको टाइम दिया है 19 दिसंबर तक का, 18 दिसंबर तक का, 18 दिसंबर तक के जो किसानों से तुमने अपने घोषणा पत्र में वायदे किए हैं कि 2 लाख रुपए तक के किसानों के सारे किसानों का भी माफ़ होंगे, उनको माफ़ करो। और संपदा पर जितने भी पंचायत सहायक या जितने भी संपदा कर्मी हैं उनको स्थायी सरकारी नौकरी दो। भारतीय किसान यूनियन द्वारा हजारों किसानों के साथ में बाड़मेर कलेक्ट्रेट पर मापड़ाव डाला जाएगा और रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी भी मैं पूरे प्रदेश के किसान यूनियन की ओर से, किसानों की ओर से देता हूँ। एक तो मैंने माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है, इनके साथ एक प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन भेज रहे हैं कि हिंदुस्तान के किसानों को बचाना है तो एक बार किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी करनी होगी, संपूर्ण कर्ज माफी हो, क्योंकि किसानों की जो खेती घाटे की है और किसान जो कर्जे में धसे हैं और किसान जो आत्महत्या को मजबूर हैं, ये किसानों की आज तक कोई कारगर नीति आज़ादी के 72 साल में हिंदुस्तान की सरकारें नहीं बना पाई। तो पहले हम अशोक गहलोत को घेरेंगे, मुख्यमंत्री जी को कई बार ज्ञापन भेज दिए, उनसे कह रहे हैं आपने 100 करोड़ रुपये बजट स्वीकृत किए हैं कर्ज माफी के लिए, लेकिन उससे सिर्फ भूमि विकास बैंक के ऋणी किसानों को फ़ायदा मिलने वाला, बाकी किसी ने पी बैंक से या SBB से ट्रैक्टर का लोन ले रखा है उनके लिए तो क्या है, कुछ नहीं। और एक दूसरी तारीफ में मुख्यमंत्री जी की ये भी करूँगा कि उन्होंने ये गरीबों को सवर्ण आरक्षण के लिए जो भूमि की जो शर्त हटाई ना, ये स्वागत की काबिल के योग्य, और पूरी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आंदोलन करके प्रधानमंत्री जी को भी मजबूर करें। लेकिन इनके अलावा मैं ये कहूँगा मुख्यमंत्री जी से, किसानों के साथ धोखा करना बंद कर दो, जो घोषणा की है, जो मुँह से किया उन बातों को पूरा करो। ये किसानों द्वारा यहाँ तो आंदोलन होगा ही, जगह जगह रेल जाम होंगी और सरकार की मैं नींद हराम कर दूंगा भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। नंबर एक तरफ सरकारी रास्ते, गोचर, आबादी भूमि सब पे कब्जा कर रखा है, उन लोगों से कुछ नहीं कह नहीं रहा, ये कैसा राज है? वो नहीं दे रही, कितनी निंदनीय बात है, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए किसान यूनियन के हिसाब से। पूरे राजस्थान के किसान अशोक गहलोत की सरकार पे गुस्सा कर रहे हैं और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इनके पूरे मंत्री भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं कि हर मामले पे, हर तबादलों पे, मतलब ऐसा कर रहे हैं जैसे जिंदगी में इनको आना ही नहीं है, मतलब दुनिया भर का भ्रष्टाचार कोई विभाग ऐसा नहीं, सारे मंत्री लूट रहे हैं। आज आपने क्या अंकुश लगाना चाहिए, आज क्या मांग रखी है कलेक्टर? कलेक्टर से सब मैंने यही ज्ञापन भेजा है कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को कि श्रीमान जी घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उसको पूरा करो, नहीं किसानों का आक्रोश झेलना पड़ेगा। 19 तारीख को यहाँ महापड़ाव होगा और रेलवे ट्रैक पर मैं प्रदर्शन भी करूँगा, उसके अलावा भरतपुर में अनिश्चितकालीन महापड़ाव होगा, वहाँ पूरे हिंदुस्तान से सैकड़ों किसान नेता बाहर से आएंगे और तमाम किसान यूनियन के नेता, और मैं अन्ना हजारे को भी आमंत्रित कर रहा हूँ भरतपुर में दिसंबर के लिए।